हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में अभी सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके संबंधित भी न्यूज़ छपा हुआ है और कई फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में वो चर्चा पर रहा है। फिलहाल मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा जिसमें लोगों का क्या कमेंट रहा है कि सीटेट ने इस बार सीटेट 2019 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितना कमाया। ठीक है, अरबों में पैसा कमाई हुई है और अभी भी देख सकते हैं 14,000 प्लस पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें व्यापम ने कितना कमाया है, क्या न्यूज़ है और न्यूज़पेपर हरिभूमि के अनुसार क्या बताया जा रहा है और पूरा न्यूज़ का जो स्रोत है पूरा हरिभूमि पेपर को जाता है। ओके, देखिए तो थंबनेल में क्या लिखा है कि 14,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती में 500 करोड़ का कारोबार, व्यापम ने कमाए 12 करोड़। ठीक है, तो देखिए व्यापम पर कितना मतलब कमाया जा रहा है और कई तरह की इस तरह की टेट की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, कई तरह की कॉम्पिटिशन परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें किस तरह से सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भर्ती के माध्यम से पैसे का जो कारोबार है होता है। तो न्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं इसमें हरिभूमि है, सरकारी स्कूलों के लिए 23 साल बाद हो रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ने प्रदेश में करीब 500 करोड़ का कारोबार करा दिया जिसमें 12 करोड़ व्यापम को बताया जा रहा है, 60 करोड़ के नोट्स व किताबें 12 करोड़ आवेदन से कमाएं। ठीक है, अब आप तो जानते हैं कि 1200 पदों के लिए जो सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला है उसके लिए करीब 2.20 लाख मतलब करीब 2,20,000 आवेदन गया था जिसमें 1,95,96,000 करीब परीक्षार्थी बैठे थे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए कुल पर 14,000 आवेदन आए, 3 लाख व्यापम ने कमाई 12 करोड़, परीक्षा के दौरान कुल कारोबार 500 करोड़ का। ठीक है, तो करीब इतना अमाउंट इस शिक्षक भर्ती संबंधित जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, शायद मैं तो फिलहाल ज़िंदगी भर में इतना पैसे कभी ना देख पाऊँगा ना कमा पाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिर्फ एक भर्ती की बात होती है, सीटेट के लिए भी जो बताया जा रहा है उसके लिए भी करीब 3 अरब पैसे की कमाई हुई है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आज के डेट में कोई भी सरकारी जो परीक्षा होती है, जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह की, चाहे SSC हो चाहे व्यापम का हो, चाहे कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम हो चाहे राज्य सरकार का एग्ज़ाम हो, सभी युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं और कहीं ना कहीं फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, नोट्स ख़रीदते हैं, बहुत सारे बुक्स पब्लिश होती हैं एग्ज़ाम के लिए, तरह तरह के पब्लिकेशन की बुक्स पब्लिश होती है और उनको पढ़ते हैं और ख़रीदते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति का आना जाना खर्चा एक पर एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा हो जाता है और सोचिए कि इस तरह की कितने प्रतिभागी होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे। पहला आवेदन देना उसके लिए 250-300-700 रुपये तक फीस, उसके बाद बुक्स करीब खरीदेंगे लगभग 2,000 रुपये का, फिर आना जाना उसका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, किताबें खरीदना, टाइम देना, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगते हैं फ्रेंड्स। और कोचिंग अगर और कर रहे हैं तब तो फिर मत ही पूछिए कितना, यहाँ कोचिंग का भी उल्लेख किया गया है, करीब 3 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। दूसरी ओर नोट्स किताबें प्रदेश भर की सैकड़ों, कोचिंग और हॉस्टल फीस तो अलग है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी परीक्षाएं जिसमें 10 लाख करीब उम्मीदवार शामिल होते हैं उनका कारोबार कितना का होता होगा। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 23 साल बाद फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है, तो ये तो अब सभी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और बड़ी बात यही है, ठीक है, कि इतना बड़ा कारोबार एक एग्ज़ाम में हो रहा है, तो सोचिए आप और हम जैसे कितने लोग सरकारी एग्ज़ाम के लिए आवेदन भरते हैं, नोट्स बनाते हैं, किताबें खरीदते हैं और कई लोग कोचिंग भी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आप भी अगर ना कोई व्यू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।